अपना T20 का स्क्वाड अनाउंस किया है जो कि खेली जाएगी बांग्लादेश के खिलाफ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज का स्क्वाड आ गया, बड़ा कुछ तगड़ा किस्म का भाईजान स्क्वाड आ गया इंडिया और जो है वो बांग्लादेश की जो T20 सीरीज है उसमें इंडिया का जो T20 का 3 T20 मैच जो खेले जाएंगे उनका स्क्वाड आ गया, बड़ा कोई पटाखा किस्म का स्क्वाड है, कंटा स्क्वाड आ गया, भजन बजाने लगा मैं पकड़ के। लेकिन अपनी टीम 3 T20 इंटरनेशनल्स बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की क्यादत में उतार दी और शुभम गिल जो वाइस कप्तान अभी श्रीलंका के खिलाफ बने थे तीनों फॉर्मेट के उन्हें रेस्ट दिया गया और अच्छा किया गया। इस टीम को आपने देखा इसके अंदर कहा गया कि जो टेस्ट खेल रहे थे उनको रेस्ट दिया गया ताकि वो टेस्ट खेलते रहे, लेकिन फिर भी आप ये अंदाजा लगा लें कि एक इंसान के साथ बदसलूकी की जा रही है और अब तो मजबूर हो गए मैं भी आवाज उठाऊं कि ऋतुराज के साथ ज्यादती हो रही है, जस्टिस फॉर ऋतुराज गायकवाड़। अब बड़े लोग आके कमेंट के अंदर कहेंगे भाई साहब पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, वो ईरानी कब खेल रहा है क्या मतलब? एक बंदा जो इतने अरसे से इंडियन टीम के अंदर जगह बनाना चाह रहा है, पूरी कोशिशें कर रहा है किसी तरीके से वो इंडियन टीम के अंदर आके जगह बना ले, लेकिन होता क्या है कि जब जब वो परफॉर्मेंस करता है वो फिर भी इंडिया की मेन टीम में जगह नहीं बना पाता, उसको अगली सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन देखो इस स्क्वाड को देख के ना मुझे एक चीज समझ आई है कि यार T20 में खिलाओ यंगस्टर्स को, मतलब इंडिया ने फिर मौका दे दिया यंगस्टर्स को, लेकिन हमारे पीसी भी बोले अभी भी T20 में मेरे घंटे से ओपन करवाते हैं और उस घंटे ने आज तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में छक्का ही नहीं मारा आज तक, आप देख लो फिर भाई। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्वाड शेयर कर दूं और उसके बाद फिर जो है वो बताते हैं कि भाई किस किस को जगह मिल गई है, किस किस को मिलनी चाहिए थी, किस किस के साथ ज्यादती हुई है। और स्क्वाड बेसिकली मैंने देखा मुझे तो ठीक ही लगा, लेकिन एक आधा नाम है जिस पे हम थोड़ी सी बहस कर सकते हैं, जिस पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अभिषेक शर्मा ने तूफान और क्यामत ढाई दी उनकी वापसी हुई है, जबरदस्त स्क्वाड है जिसमें रियान पराग भी है और माइक यादव द स्पीडस्टर जिसे कहा जा रहा है, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, उनकी भी वापसी हुई है। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने क्या काम किया पता लगेगा। सूर्य कुमार यादव ही कप्तान है और जनाब रवि बिश्नोई भी है और हर्षदीप भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। सागर सिंह मन्नू साहब कौन क्या करेगा मेरी जान क्या करेगा। तो भाई स्क्वाड अच्छा लग रहा है, 15 लोग का वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हुई है। अभिषेक शर्मा शुक्र है कि टीम के अंदर दोबारा से आए हैं, इनको हम देखना चाहते थे। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या दो इनके इंडिया के मेन प्लेयर, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा लड़का, यंग लड़का, मैंने इसको खेलते हुए देखा IPL में, अच्छा लड़का है। शिवम दुबे मेन प्लेयर इनका T20 का, वाशिंगटन सुंदर मेन प्लेयर T20 का, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बस मुझे इस सवाल का जवाब दे देना, रियान पराग ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखा दी थी जिम्बाब्वे वाली सीरीज के अगेंस्ट, क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई थी जिम्बाब्वे वाली सीरीज? अब ये मत कहना कि उसने दुलीप ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, वो टेस्ट था, T20 की मैं बात कर रहा हूं, रियान पराग की क्या परफॉर्मेंस थी? चलो रियान पराग नंबर 4 पे खेलता है, ऋतुराज नंबर 4 पे भी खेल सकता है, ऋतुराज ओपन भी कर सकता है। ओपनिंग पेयर अगर देखा जाए तो इस टीम के अंदर क्या ओपनिंग पेयर है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लड़के हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं? देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकता है, इसी के साथ साथ इस टीम के अंदर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग कर सकता है, और कौन ओपनिंग कर सकता है? नीतीश कुमार रेड्डी को ओपनिंग करवाएंगे, किससे ओपनिंग करवाएंगे टीम के अंदर? आपके पास प्रॉपर 2 ओपनर भी टीम के अंदर मौजूद नहीं है स्क्वाड के अंदर, बैकअप ओपनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वन डाउन पे सूर्या खेलेगा, नंबर 4 के ऊपर खेलेगा रियान पराग, नंबर 5 पे रिंकू, नंबर 6 पे हार्दिक, नंबर 7 पे दुबे, लेकिन आपका ओपनिंग पेयर क्या होगा मुझे बस ये बताएं ना। एडजस्ट हो सकता था, नियत होती तो उसको रखा जा सकता था जो कि नहीं रखा गया। चले ऋतुराज पे तो बात होती रहेगी, इसके बाद आवाज उठती रहेगी, बट जो मुझे खुशी हुई है देख के कि फाइनली जो IPL का सेंसेशनल बॉलर था जिसकी बड़ी चर्चा थी मयंक यादव, हर्षित राणा, मयंक यादव, ये दो नाम बड़े शानदार थे। हर्षित राणा को तो हमने देख लिया, मयंक यादव को वापस देखने का मौका मिलेगा और अब ये इंडियन टीम के अंदर अपना डेब्यू करेगा। मयंक यादव एक शानदार किस्म का बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने देखा था पेस तो उसके पास है, पेस से बीट करता है, अनफिट हो गया था, इंजरी का दोबारा से आएगा टीम के अंदर। अब ये इंडियन टीम में क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी इसका पेस है ना, इस पेस के साथ किस लाइन में लाइन से बॉलिंग करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। ओवर देखा जाए टीम मजबूत टीम है, अच्छी टीम है, इसके अंदर जो की प्लेयर्स हैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसी के साथ साथ शिवम दुबे, वाशिंगटन वर्ल्ड क्लास वरुण चक्रवर्ती
मतलब ये आ गया, ये आपको पता है 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया इसको लेके गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम से ये गायब हो गया था और दोबारा इसको चांस मिला है अब। और अच्छा मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छी बॉल करता है, और अगर ऑन द डे अपनी बॉल करेगा तो भाई बजा देगा, किसी का भी पकड़ गया है बजा देगा। मेरा घंटा इसको भी नहीं खेल पाएगा, घंटा उस दिन भी 2021 वाला मैच निकाल के देख लो, घंटा फंस रहा था इसके आगे, घंटे को इसकी स्पिन समझ नहीं थी आ रही है। तो भाई मैं बात ना आपको ना आराम से कह सकता हूँ, अपने घंटे को समझ नहीं थी आ रही इसकी, ठीक है, ये बात आपको मैं बता सकता हूँ। उसके बाद अगर बात करें जितेश शर्मा, जितेश शर्मा भी विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा है, और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और एक नाम जिसके लिए मैं बड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, जिसको मैं देखना चाहता था, जिसने आईपीएल में इस साल एक 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 हंगामा मचाया था, लड़का मैच थोड़ी खेला था, लेकिन अपने पहले मैच में इसने बजा के रख दी थी सबकी, मयंक यादव, याद है ना इसने कितनी तेज बॉल की थी, मतलब लड़के ने पहले मैच में आके जिस तरह जॉनी ब्रेस्टो, शिखर धवन को नचा दिया था पकड़ के, मयंक यादव ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की थी लड़के ने, मैच थोड़ा खेला था लेकिन मजा पूरा करवा के गया था। आप इनमें से कौन कौन से नाम मिसिंग है, प्लेइंग 11 भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन से नाम मिसिंग है, जो जो नाम मिसिंग है, ऋतुराज गायकवाड़ किधर है, इसमें आपको ऋतुराज गायकवाड़ नजर नहीं आ रहा, इसमें आपको शुभमन गिल नजर नहीं आ रहे, नो डाउट बाकी प्लेयर रेस्ट पे होंगे, रेस्ट पे हैं बाकी प्लेयर, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को इधर होना चाहिए था, मुझे लगता है गायकवाड़ का होना जरूरी था। अब गायकवाड़ का तो क्योंकि देखें जिस तरह अभिषेक शर्मा या गायकवाड़ है वो भी परमानेंट प्लेस तो नहीं ना बना सका अपनी T20 में उस तरह, तो ऋतुराज गायकवाड़ का सर होना जरूरी था। अब वो क्यों नहीं है, वो रेस्ट पे है या उसको वैसे नहीं रखा गया, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मुझे लगता है इस पे। बाकी शुभमन गिल नहीं है, शुभमन गिल रेस्ट पे है या ड्रॉप है, मुझे लगता है रेस्ट पे ही होगा। यशस्वी जायसवाल किधर है, वो तो ऑब्वियसली रेस्ट पे होगा क्योंकि अभी वो टेस्ट मैच भी खेलेगा इसके बाद, फिर यशस्वी ने और गिल ने तो वो न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच में उसके बाद बॉर्डर गोस्ट ट्रॉफी तो बड़ी लंबी उनके लिए है, तो थोड़ा सा रेस्ट दिया गया उनको। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देख लो तो कुलदीप यादव आपको नजर नहीं आया, कुलदीप यादव नहीं आया, कुलदीप आई थिंक खेल सकता था, शायद कुलदीप खेल सकता था क्योंकि कुलदीप आई थिंक टेस्ट मैच में नहीं है इसमें, बल्कि नहीं है इसमें भी नहीं है, तो कुलदीप शायद खेल सकता था। तो भाई आप जो उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग में आप देख लो तो फास्ट बॉलिंग में आपने अर्शदीप को रखा है, हर्षित राणा को रखा है, मयंक, कैसा स्क्वाड है, क्या लात है, क्या होगा इस पे करेंगे। सागर सिंह साहब आप बॉबजिदा किंग से बाहर निकले, पवन प्रजापती साहब आप भगवान राम के भगत है, और जनाब सनी तारा साहब वालेकुम अस्सलाम, हिंदी फिल्म कॉमेडी वीडियोस आपकी मोहब्बत है। हाँ जी सनी तारा साहब, माइक साहब आ गए हैं, और भगवान राम के एसके साहब भी हैं, दिव्या मंचाना बेटा वालेकुम अस्सलाम, उपिंद्रा। इंडिया का स्क्वाड देख के पाकिस्तान मीडिया बोला काश हमको भी ऐसा स्क्वाड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जाने वाले 3 T20 मैच के लिए इंडिया ने स्क्वाड अपना घोषित कर दिया, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, और यहाँ पर रिंकू सिंह को भी जगह मिली है, रियान पराग को भी जगह मिली, लेकिन यहाँ पर गायकवाड़ को, ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली है। इसके बारे में आपको क्या कहना है ज़रूर कॉमेंट में बताएं, और पाकिस्तान मीडिया का भी आपने यहाँ पर सुन ही लिया होगा उनका जो कहना है, तो आपको क्या कहना है ज़रूर कॉमेंट में बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।